आदेश जयश्री महाकाल, हमारे पास ओंकार जी आए हुए थे और इन्होंने हमसे शक्ति का ट्रांसफर भी लिया और दिव्य दृष्टि भी ट्रांसफर में इन्होंने लिया है। तो हम इन्हीं से कुछ थोड़े बहुत सवाल पूछेंगे जिनके जवाब इन्हीं से लेते हैं कि किस तरीके से इनको लगा। तो जैसे कल आपको जैसे दिव्य दृष्टि मिला, तो उस टाइम आपको कैसा महसूस हुआ? आपको लगा कुछ कि आप जैसे भाई आम आदमी से बढ़ के कुछ ना कुछ देख रहे हो, कुछ कर रहे हो? हाँ, मुझे जब दिव्य दृष्टि मिला तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब दिव्य दृष्टि मिला उसके बाद ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि जो चीज़ें मैं फील भी नहीं कर सकता था, उन सबको फील करके, उसकी आकृति को समझ करके और उसका जो अंश है, जैसा रूप है, वो मैंने देखा और फिर उसका आकृति जैसा था वैसा देख करके मैंने बताया, तो वो सही निकला कि ऐसा आकृति है और ये नाम है इनका, ऐसा वो बिल्कुल सही था। तो उनकी मतलब पर्ची आपको पहले से मिल गई थी? उनकी पर्ची आपने बना करके दी थी और वो बंद थी, मैंने देखी नहीं थी और मेरे पॉकेट में थी। आपने फिर पूछा कि कौन सी शक्ति है, तो मैंने उसका जवाब दिया और फिर बाद में जब मैंने बारी बारी जब देखा कि पर्ची में क्या क्या नाम थे, तो वो सारे नाम सही थे जो मैंने देखे थे और जो क्रमबद्ध रखा गया था उसी क्रम में मैंने सारे शक्तियों को देखा। मतलब दिव्य दृष्टि मिली, उसी से आप बढ़िया तरीके से संतुष्ट हुए? बहुत बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि ऐसा अनुभव कहीं नहीं मिल सकता, सिर्फ यहाँ मिल सकता है, मैंने देख लिया ये चीज़। अच्छा, और इसके अलावा फिर आपको जैसे शक्ति ट्रांसफर मिला, तो उसमें आपको कोई नाम थोड़ी बताया गया था कि भी इस शक्ति का स्वरूप ऐसा है या भाई ऐसा नहीं दिखाई नहीं देगी? बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि ये किस तरीके से दिखती है, कैसा आकार है, कैसा रूप है। वो सिर्फ मैंने जब आंख बंद करके देखना चाहा तो मुझे उसकी पूरी आकृति दिखी, पूरी वेशभूषा, पूरे रंग, पूरे जैसा उनका पहनावा ओढ़ावा जैसा भी है, वो सब मुझे क्लियर दिखा और बिल्कुल सत्य था। जब मैंने पर्ची खोल के देखी कि ऐसा आकृति है, वो बिल्कुल सत्य था। पहले पढ़ा तो नहीं इस बारे में कि नहीं पर्ची नहीं पहले पढ़ लिया उसके बिल्कुल बाद में रूप बता दिया पर्ची सीधा? आपने बंद करके दी थी जो मेरे पॉकेट में थी, मैंने देखा बिल्कुल तो नहीं यहाँ थी। पे जो बाकी भाई जो ट्रांसफर लेने आए थे उनसे पूछा था नहीं कुछ किए भैया भाई नहीं इस तरीके से मैं शक्ति लेने आया हूँ, तो आपकी कोई शक्ति है तो उसका कोई रूप बता दो, या भाई यहाँ पे नहीं किसी चीज़ का कोई रूप बता दो मुझे? मुझे तो पहली बात तो मालूम ही नहीं था कि ऐसे सवाल करे करे जाते हैं कि आपने आप देखिए और कैसा रूप है वो बताइए, ऐसा सवाल करे जाते हैं, मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने किसी से पूछा नहीं, कुछ भी नहीं पूछा, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी पूछा जाता है सवाल। ये क्या है मतलब भाई कोई चीज़ को प्रूफ करने के लिए सही साबित हो रही है कि नहीं हो रही है ये प्रक्रिया? ये प्रक्रिया बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकली टेस्ट लिया जाता है ना, वो बहुत सही है, जिससे कि आप 100% श्योर हो जाते हो कि आपको जो शक्ति मिली है वो असल में काम कर रही है, आपके साथ चल रही है और आपके माइंड माइंड में जो वो उत्तर देना चाहती है वो सत्य है। नहीं तो फिर वही बात है कि अगर हम आपको कोई पर्ची छुपा के नहीं देंगे, पहले पढ़ा देते हैं, या फिर भाई आपको पर्ची भी ना दें, तो ये मान लो कि आपने उसको बोला कि भाई मान लो जैसे शक्ति है उसके हाथ में त्रिशूल है और हम भी बोले हाँ जी त्रिशूल है, चाहे उसके हाथ में तलवार हो या कुछ भी हो, या फिर हमारे पास कोई शक्ति भी ना हो, आप तो जैसे भाई आप मर्जी से जैसे दिमाग कहीं तो जाएगा, कहीं जाएगा। हाँ अब हमने बोला शक्ति ट्रांसफर हो गई है तो आपका जैसे दिमाग कहीं तो गया, तो आपने जैसे मतलब मान लो कि हम भाई बाई चांस यहाँ पे बैठे बैठे कोई ये बोल रहा है महाबली महाबली, तो आप हनुमान जी की फोटो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। उसी तरीके से क्या है मन विचलित रहता है, वो ऑटोमेटिकली किसी की इमेज बना लेता है, पर हमने जो पर्ची में लिखा वही सेम टू सेम पूरी सेम टू सेम बिल्कुल की पूरी इमेज बनना और वही चीज़ दिखना और वही चीज़ आपका बताना वो होती है कि आप आम आदमी से उठकर कुछ देख रहे हैं और उस शक्ति को देख रहे हैं बिल्कुल सही और वो जुड़ाव आपके साथ कर रही है। और ट्रांसफर का हमारा ये रहता है कि आपने अभी ट्रांसफर लिया उसके सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बाद में भी आप उसका प्रैक्टिकल करोगे तो भी करेगी, और उसको भाई जब भी वो काम करना चाहे आप करवाना चाहें चाहे 1 मिनट बाद हो वो काम करना शुरू करेगी। जी बिल्कुल पर उसके लिए यही है कि हम थोड़ा सा ये बोलते हैं कि शक्ति को अपने साथ अच्छे से अच्छे एडजस्ट से होने दीजिए, एडजस्टमेंट हाँ करने दीजिए थोड़ा उसको सा। ऐसे व्यवहार से दीजिए और उसके साथ प्यार से जुड़िए पहले, जुड़ने के बाद में वही है काम करने की क्षमताएं और तरीके बदल जाते हैं। तो एक मैं छोटी सी बात और पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम वीडियो तो नहीं डालेंगे इस बारे में, जैसे कि हम सभी साधकों से पूछते हैं सभी से पूछते हैं भाई ये वीडियो भाई आप
डालने के लिए बोलेंगे तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। तो इसका ऑडियो अगर डालना चाहें तो क्या डाल सकते हैं उसका? डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके नाम से हमारा जो जिस जगह पर बैठे हैं, जिस होटल में रुके हुए हैं, वहाँ पे भी कोई दो चार बंदे और मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, सही बात। ना हम आपका स्टेट का नाम लेंगे, ना आपका सिटी का नाम लेंगे, ऑडियो डाल सकते, सिर्फ हम ऑडियो डालेंगे इसका, डाल सकते। चलिए ठीक है, तो इसके साथ हम ओंकार जी की खुशी भी देख रहे हैं कि इनको शक्ति ट्रांसफ़र के बाद में खुशी भी अच्छी हो रही है, जो कि हमारे यहाँ पे सभी होते हैं सभी के साथ। पर एक छोटा सा केस का ऑडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, जिसके साथ थोड़ा सा भाई ऊपर नीचे हुआ है उनके साथ, बाकी उनकी कोई मंशा नहीं है, ना वो गलत बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई मेरे साथ काफ़ी अच्छा हुआ, आपने जैसे जैसे बोला वैसे हो रहा है, पर मेरा मन थोड़ा सा है वो विचलित है, ऐसा उन्होंने बोला। चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।